rkjshop.com। जैसा कि आपको सभी को पता है कि rkjshop.com पे जब भी हम कोई वीडियो डालते हैं, कोई अच्छा सा बेहतरीन सा प्रोडक्ट लेके आते हैं और आपको सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाते, उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसको खरीदना कहाँ से है ये भी बताते हैं। सो rkjshop.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको मल्टीपल कैटेगरी की मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं एक ही दुकान पे। सो आगे हम बढ़ते हैं और आज हम एक अलग सी कैटेगरी जो है, एक प्रोडक्ट जो है, उसको आपको बताने जा रहे हैं जो कि घर घर में इस्तेमाल होता है। आई एम श्योर जो भी हर एक फीमेल है वो इसको इस्तेमाल करना चाहेगी आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे नए नायाब से प्रोडक्ट के बारे में आपको बताते हैं। सो दोस्तों, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैंने इसकी वीडियो बनाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं था। आप ही सोच रहे होगे कि खाना बनाने का मन नहीं था तो वीडियो क्यों बनाई। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो प्रोडक्ट मैं आपके सामने आज पेश करने जा रही हूँ वो इसी से रिलेटेड है। क्योंकि मेरा खाना बनाने का मन नहीं था तो मैंने सोचा कि सोल फ्लेवर का दाल मखनी ट्राई किया जाए विच इज रेडी टू ईट। इसके लिए मुझे बहुत सारा मसाला, प्याज, टमाटर वगैरह काटना है और उसमें डालना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, मैं आपसे मजाक कर रही थी। जी हाँ, ये जो प्रोडक्ट है हमारा सोल फ्लेवर का दाल मखनी, इट इज रेडी टू ईट। और सबसे बड़ी बात, इसका जो टेस्ट है बहुत ही उम्दा है और हमें कुछ नहीं करना, हमें इसको सिर्फ हॉट करना है और सीधा खा लेना प्लेट में डाल के। सो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी, ऑब्वियसली आपको नहीं पता लगेगा कि किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है, तो मैं इस प्रोडक्ट को आपको बताऊंगी कि किस तरह से उसको गर्म करना है और उस तरह से आप उसके बाद उसका स्वाद का आराम से मजा ले सकते हैं, लुत्फ उठा सकते हैं। सो दोस्तों, अब इसके मैं इंग्रेडिएंट्स पढ़ के बताती हूँ कि इसमें क्या क्या है। इसमें वाटर है, उड़द साबुत की दाल है, वेजिटेबल्स में लाइक टमाटो, गार्लिक, जिंजर, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, मिल्क सॉलिड क्रीम और सॉल्टेड बटर, पल्सेस चिकन पीस, पल्सेस किडनी पीस जिसे कहते हैं राजमा, और सॉल्ट है, स्पाइसेस वगैरह है, कश्मीरी देगी मिर्च, कोरिएंडर, गरम मसाला, कार्डमम, सिनेमम, कस्तूरी मेथी, मेस, बे लीव्स। ये सारे के सारे मसाले जो हम दाल मखनी बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके ऊपर ऑलरेडी लिखे हैं। आप बॉक्स के पीछे भी जाकर इसको देख सकते हैं। जो इसका वेट है दैट इज 300 ग्राम्स, और अप्रॉक्सीमेटली दो बंदे आराम से खा सकते हैं। आप इसको लच्छा परांठा के साथ भी खा सकते हैं और इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो अब हम इसको इसकी बॉक्स अनपैकिंग करेंगे। इस तरह का ये बॉक्स में आएगा, देन देखिए इस तरह के फॉइल पाउच में आएगा, बिकॉज इट्स सेफ, स्पिल प्रूफ, इसमें से कुछ भी लीकेज नहीं होगा। देखो अब मैं जोर जोर से हिला रही हूँ बट फिर भी इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, बिकॉज ये जो पैकेजिंग की हुई है ये सोच समझ के इसीलिए की है कि स्पिल प्रूफ, ताकि क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में जो प्रोडक्ट है वो बाहर ना निकले, बाहर स्पिल ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा हुआ है। ये चारों तरफ से आप देखेंगे, ये चारों तरफ से ये पूरा सील हुआ हुआ है। तो अब मैं अपना जो मेरा पैन है वो निकाल रही हूँ और उसको सीधा इसमें पोर कर रही हूँ गर्म करके, और मजे से खाऊंगी। जैसा कि इसके बॉक्स पे भी इंस्ट्रक्शन दी हुआ है, और मैं आपको भी बता देती हूँ कि इसको तीन तरीके से हम हॉट कर सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो ये पाउच है इसको आपने ओपन नहीं करना और बॉइलिंग वाटर लेना है जो पूरा अच्छे से बॉयल हो रहा हो, उसके बाद बंद कर देना है इसका फ्लेम जो है गैस का, और इस पाउच को उसके अंदर कम से कम 3 से 5 मिनट तक उसको रखना है बंद पैकेट को, और उसको ढक के रखना है। वो उतनी देर में जो है हॉट हो जाएगा, उसके बाद अब उसको कट करके सर्व कर सकते हैं। ये हो गया पहला तरीका। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ दूसरा तरीका। इस पाउच को आपने कट करना है और एक माइक्रोवेव सेफ बॉल के अंदर उसको पूरा डालना है, उसके बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव जो है करना है, हॉट करना है, तब उसके बाद आप सर्व कर सकते हो। तीसरा तरीका जो है, इसको कट करना है और हम इसको माइक्रोवेव में नहीं, गैस पे गर्म करेंगे। गैस में एक पैन लेना है और उसके बाद इसको उसके ऊपर पोर कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए उसको चलाना है, और जब आपको लगेगा हल्के हल्के से बबल्स आ गए हैं, हल्का सा बॉयल हो गया है, उसके बाद आप जो है इसको सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने गैस जला दी है, ऑफ कोर्स बनाने के लिए मुझे गैस तो जलाना ही रहेगा। इस तरह से
और एक आप नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हो और दूसरा पैन भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई लिया है, और जो पाउच को इस तरह से हल्का सा कट कर लेना है। अब इसको, इस पैकेट को इसके अंदर पोर कर देना है। अच्छे से, बिकॉज इसमें बहुत सारा मटेरियल अभी लगा भी हुआ है, तो हमें अच्छे से उसको इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर पोर कर देना है। तो दोस्तों, बस मैंने इसमें सारा का सारा इसमें पोर कर दिया है, और आप देखेंगे मुझे कुछ भी नहीं करना, बस अपनी एक छोटी सी करछी लेकर आनी है और इसमें हल्का सा घुमाना है, वो भी ओकेजनली, ऐसा नहीं उसको हिलाते ही रहना है। आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, तो हल्का सा जैसे बॉइलिंग उस पर आ गया है, और अब मैं इसको हल्का सा चलाऊंगी। और जो फ्लेम रखनी है हमें हाई नहीं रखनी बिल्कुल भी, हमें जो फ्लेम है वो मीडियम रखनी है, और अब मैं स्लो कर रही हूँ इसको। और ये दाल मखनी मेरी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट रेडी है। और मुझे, आपको पता है मैंने कितनी मेहनत की ना इसमें, मैंने प्रोडक्ट को काटा, कढ़ाई में डाला और तैयार हो गया, कितनी मेहनत लगी ना। दोस्तों देखो, मैंने इसमें मेहनत कुछ भी नहीं की। मेरे ऐसी जो फीमेल्स हैं, बहुत कई कई ऐसी मेरी बहनें होंगी जो बहुत ज़्यादा बिजी रहती होंगी और वर्किंग होंगी, कई बार खाना बनाने का नहीं टाइम होता, भूख लग रही होती है, बच्चे खाना मांग रहे होते हैं, तो ये इमरजेंसी के लिए मुझे लगता है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ना, बेस्ट प्रोडक्ट है, हमें कुछ नहीं करना। लो जी, मैंने गैस कर दी बंद, 1 से 2 मिनट में मेरा ये जो दाल मखनी है तैयार। अब कोई ओकेजन हो, और अगर कुछ भी किसी का फंक्शन हो, तो कुछ भी नहीं करना, हमारे पास होम रेडी टू ईट सोल फ्लेवर का दाल मखनी है ना। चलो बन तो गई है दाल, बट एक बार काम करते हैं ना, टेस्ट भी कर लेते हैं ना। तो मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। इट्स अमेजिंग गाइस, बिलीव मी, ये बहुत ही टेस्टी है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने कोई पैकेट बंद वाला जो प्रोडक्ट खोला, एकदम बाजार की जैसे ही मखनी दाल लग रही है। बिल्कुल अच्छा सा ऐसा लग रहा है, बहुत पकी हुई का, उसको बहुत अच्छे से कहते हैं दाल मखनी को, जितना ज्यादा पकाते हैं उतना अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से ये पका के, बहुत ही अच्छे से तरीके से सारे मसाले एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, और बहुत ही अच्छे से जो उसकी खुशबू, फ्रेग्रेंस आ रही है और टेस्ट आ रहा है ना, इट्स अमेजिंग, यू मस्ट ट्राई। मेरी बात बिलीव कीजिए, मेरे बात पे बिलीव कीजिए, आपको एक बार जरूर ये ट्राई करना चाहिए, ये बहुत 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 अच्छा टेस्ट है। थैंक यू। सो दोस्तों, अब आपको पता है ना कि अगर आपको भूख लगती है और समय नहीं है बनाने का, टाइम नहीं है कुछ भी कुक करने का, और सबसे बड़ी बात मन नहीं है, और इस सर्दी के टाइम में कुछ भी काम करने का और रजाई में से उठने का मन नहीं है, तो डेफिनेटली आप ये सोल फ्लेवर का दाल मखनी ट्राई कर सकते हैं। और सिर्फ उसमें दाल मखनी भी नहीं, बहुत सारी रेंज है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, कि इसमें बहुत सारे सब्जी, मसाला, चिकन भी है इसके अंदर, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। MRP जो इसका है वो 100 रुपीज है, पर अगर जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है वो मोदी केयर का प्रोडक्ट है सोल फ्लेवर, तो जो भी सभी लोग, मेरे भाई बहन जो भी मोदी केयर के मेंबर हैं, मेंबरशिप ली हुई है, उनको ये जो प्रोडक्ट है वो अब 20% के डिस्काउंट पे मिलेगा, जो कि हर मेंबर को मिलता है। और अगर आप मेंबर नहीं हैं तो भी आपको ये बेनिफिट मिल सकता है, आप जल्दी से उसमें मेंबर बन जाइए, और आपको ये दाल मखनी का टेस्ट ट्राई करना है ना, तो आई एम श्योर आपको ये प्रोडक्ट ट्राई करना होगा, और ट्राई करने के लिए, डिस्काउंट लेने के लिए आपको मोदी केयर के साथ जुड़ना होगा, जिसमें कोई कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइनिंग है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, एक आधार की कार्ड की कॉपी चाहिए, और आप डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए ईमेल आईडी पर मुझे यहाँ बता सकते हैं कि जो जो इंटरेस्टेड है मोदी केयर के मेंबरशिप को लेने में, वो मुझे बता सकते हैं, पिंग कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और मैं आपको हेल्प करूंगी कि किस तरह से मोदी केयर के साथ जुड़ सकते हैं, और इसी तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट्स जो हैं आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अभी के लिए जो आज जो मैंने आपको दिखाया था दाल मखनी था, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके सामने लेते आऊंगी, क्योंकि RKJShop.com ही है जो कि हर तरीके की, हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स रखता है और आपको सजेस्ट करता है, लेना या नहीं लेना बिल्कुल आपके हाथ में है, बट हम आपको एक उन्नत क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ रूबरू कराते हैं। सो हम आई एम श्योर आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे के सारे फ्रेंड्स के साथ,
अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो शेयर करना। हो सकता है ये प्रोडक्ट किसी की ज़रूरत हो, तो हमें डेफिनेटली इसको बहुत सारी शेयरिंग करनी है ताकि ये प्रोडक्ट जो है घर घर में हम पहुंचा सकें और इसका सभी लोग फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को लाइक करना ही है आपको, बट साथ ही साथ जिस भी इंसान ने इस rkgshop.com के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि फ्यूचर की जितनी भी वीडियोस आपके पास आएंगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आई एम श्योर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और जिस तरह से मैंने आपकी प्रॉब्लम को, खाना ना बनाने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, वो भी अच्छा लगा होगा। सो आप सभी का हाथ जोड़ के नमस्कार, धन्यवाद मेरे को इतना झेलने के लिए। सो मैं आती रहूंगी, मिलती रहूंगी आपको नए प्रोडक्ट के साथ। सो rkjshop.com को सब्सक्राइब जरूर जरूर करना। अगली वीडियो में मिलते हैं जल्द। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।